आरक्षण विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी है। जब तक बीजेपी देश की राजनीति में है, दुनिया की कोई ताकत दलितों पिछड़ों के आरक्षण को छीन नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। हमारी सरकार अभी जो वर्तमान आरक्षण नीति है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े और अति पिछड़े में, इसमें किसी परिवर्तन की पक्षधर नहीं है। वी कैन ओनली लाफ एट बीजेपी'स पोस्टर। आई कुड सी रविशंकर जी डेस्परेटली ट्राइंग टू रिपेयर द डैमेज कॉज्ड बाय सर संघ चालक। एक बयान बहुत भारी पड़ा सरकार पर। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। आज इस अहम खबर पर है हमारी नजर, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक और अहम तस्वीर, यानी सेल्फी मोड में नीतीश कुमार। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर ही बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं। पहले उन्होंने नारों की नकल की, घर घर दस्तक, और अब की बार नीतीश कुमार जैसे जुमले गढ़वाए गए। अब देखिए, आप सेल्फी मोड में दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनके साथ युवा पटना में सेल्फी खिंचाने की होड़ लगाते दिखाई दिए। पटना में छात्राओं के बीच खड़े होकर उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। नीतीश को लगता है कि मोदी की ऐसी नकल उन्हें भी बिहार में वैसी ही लोकप्रियता दिला सकती है जैसी मोदी ने गुजरात और उसके बाद पूरे देश में हासिल की। पटना की यह तस्वीर कम से कम यही बयां कर रही है, नीतीश ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी की सेल्फी से लालू भी कम प्रभावित नहीं है। आपको याद होगा, लालू ने IBN 7 के खास कार्यक्रम डायलॉग बिहार में मंच से बताया कि लड़कियां उनके साथ भी सेल्फी खिंचवाने को बेताब रहती हैं। इन लोगों को पूछता ही नहीं है, जलन इसी बात करना है कि जेने जा लड़की सब औरत सब लालू से सेल्फी करती है। हम सेल्फी लेंगे सर, हम ले लो, लेकिन मिस यूज मत करना बेटे, ये बात। और आज सेल्फी मोड में दिखाई दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आइए आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने कार्यक्रमों के बाद जनता के बीच जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, और आज नीतीश कुमार भी पटना में कुछ उसी तर्ज पर सेल्फी खिंचवाते हुए दिखाई दिए। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें एक सियासी कनेक्ट की ओर इशारा भी करती हैं, जिसे आप भी बखूबी समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाएं या फिर देश में ही वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनकी लोकप्रियता है, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। वो खुद भी सेल्फी खींचते हैं और अपने ट्विटर हैंडल के जरिए या सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए उसे लोगों के बीच रखते हैं। और आज नीतीश कुमार इस रूप में, इस अंदाज में पटना में दिखाई दिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी और संघ की सफाई के बावजूद भागवत के आरक्षण वाले बयान पर हमले जारी हैं। बिहार में चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के नेता खासतौर पर इस बयान की निंदा कर इसको जिंदा रखना चाहते हैं महागठबंधन के नेता, और इसकी जमकर निंदा कर रहे हैं। लालू के बाद नीतीश ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और संघ को आड़े हाथों लिया है। नीतीश का कहना है कि इस बयान से आरक्षण पर बीजेपी की सोच सामने आ गई है। वहीं सुशील मोदी ने सफाई देते हुए कहा है कि संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरक्षण पर संघ प्रमुख के बयान ने नीतीश कुमार को मुस्कुराने का अच्छा मौका दे दिया है। नीतीश ने भागवत के बयान को सीधे बीजेपी की सियासी सोच से जोड़ दिया। हालांकि बीजेपी ने आरक्षण पर पुनर्विचार के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन नीतीश ने जोर देकर कहा कि ऐसा सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर किया गया। नीतीश के मुताबिक संघ प्रमुख के बयान से दलितों और पिछड़ों को लेकर बीजेपी की सोच सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है समाज के पिछड़े वर्गों के बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति जो वंचित तबके हैं उनके बारे में जो उनका नजरिया है वो साफ है। गौरतलब है कि संघ के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए।
यह समिति तय करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और यह आरक्षण कब तक दिया जाए। संघ प्रमुख के इस बयान पर लालू ने हमला बोला और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बवाल बढ़ता देख सरकार और बीजेपी दोनों ने इस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन महागठबंधन के नेता इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दे रहे हैं। वी कैन ओनली लाफ एट बीजेपी पोस्टर। आई कुड सी रविशंकर जी डेस्परेटली ट्राइंग टू रिपेयर द डैमेज कॉज्ड बाय सर संघ चालक। आई थिंक बीजेपी एंड आरएसएस कंबाइंड दे हैव अ वेरी वेरी टिपिकली फ्यूडल माइंडसेट। दरअसल जातियों में बटे बिहार में बीजेपी के लिए ये बयान बड़ा झटका साबित हो सकता है। बीजेपी की पूरी कोशिश दलित पिछड़ा वोटों में सेंध लगाकर पाटलिपुत्र का महासंग्राम जीतने की है। एक तरफ एनडीए के कुनबे में रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित चेहरे हैं, तो कुर्मी वोटों पर कब्जे के लिए उपेंद्र कुशवाहा हैं। खबर है कि यादव वोटों में सेंध लगाने के लिए खुद बीजेपी बड़ी तादाद में यादवों को टिकट देने वाली है। ऐसे में अगर भागवत के बयान ने तूल पकड़ा तो तमाम दांव उल्टे पड़ सकते हैं, लिहाजा बीजेपी लगातार सफाई दे रही है। अभी जो वर्तमान आरक्षण नीति है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पिछड़े और अति पिछड़े में, इसमें किसी परिवर्तन की पक्षधर नहीं है। हमारी सरकार ये मानती है कि उनके आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए ये जरूरी है। आरक्षण के बारे में कोई पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है और जब तक बीजेपी देश की राजनीति में है दुनिया की कोई ताकत दलितों पिछड़ों के आरक्षण को छीन नहीं सकता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर कोई पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे संघ के करीबियों की माने तो भागवत का बयान दरअसल गुजरात में पटेलों के आरक्षण के आंदोलन के संदर्भ में था। भागवत ने सोचा भी नहीं था कि इसका हिंदी पट्टी में इतना तीखा असर होगा। बिहार तो बिहार, यूपी में मायावती ने भी करारा हमला बोला है। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई की पूछताछ से सहमी मायावती ने इस बयान को दलित विरोधी करार दिया। माया ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पूरे देश में आंदोलन होगा। जाहिर है अगर हवा खिलाफ बनी तो नुकसान बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आज रामविलास पासवान भी भागवत के बयान का बचाव करते नजर आए। उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सुनवाते हैं। पूरी तरीके से हमारी सरकार कमिटेड है आरक्षण के लिए और आरक्षण जो है संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। गुजरात में लड़ाई चल रही है कि पटेल को भी आरक्षण दिया जाए। अब पटेल के आरक्षण पर इनके पार्टी में दो मत है। शरद यादव कहते हैं कि नहीं दिया जाए, लालू नीतीश कहते हैं कि दिया जाए। हमारा सिर्फ कहना इतना ही है कि आरक्षण का कोई नियम है। उधर महागठबंधन से अलग होने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने बिहार में अपनी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी अपनी उत्तर प्रदेश की योजनाओं के जरिए बिहार में वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। एक तरफ मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने राज्य के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, तो दूसरी ओर पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लेने पटना पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि अच्छे दिनों का नारा बीजेपी का नहीं था, वो तो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी का नारा था। कोई कंपनी तय कर देती कि अच्छे दिन ऐसे आ सकते हैं तो तय कर लिया उन्होंने कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे। वो उस पार्टी का नारा नहीं था, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली कंपनी का नारा था। वो कंपनी उनको लड़ाने की चुनाव, उस कंपनी से हिसाब किताब बदल गया, वो कंपनी दूसरों को चुनाव लड़ा दी। वो अच्छे दिन उनकी पार्टी का नारा नहीं था, बिहार में गैर कांग्रेसी की राजनीति और 25 साल से शासन करने वाला हर राजनेता खुद को लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वारिस बताते हुए नहीं थकता। लेकिन उन्हीं जेपी के गांव सिताब दियारा का हाल क्या है, जरा उस पर भी एक नजर डालिए इस खास रिपोर्ट में। आखिर कब बदलेगी जेपी के गांव की तस्वीर?
क्या नेता सिर्फ जेपी के नाम को ही भुनाएंगे? या फिर गांव का उद्धार भी करेंगे? बिहार के छपरा का नाम आते ही जिस शख्सियत का नाम सबसे पहले आता है वो हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देश को संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जेपी के आंदोलन से कई नेता निकले, फिर चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार या फिर शरद यादव। ऐसे नामों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन जेपी के गांव सिताब दियारा में हुआ क्या है ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। विकास का एक कड़वा सच ये भी है कि सिताब दियारा आने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, फिर दोबारा बिहार में एंट्री होती है। यहाँ तो सरकार हमें जीवन गुजर गई रही 1974 में पटना में, जब आज के साथ कुछ दिन अनशन के लेने भरी पटना में साथे कुछ दिन रही, उसके बाद 4 साल के बाद पटना से जा। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता यहाँ नहीं पहुँचते। जेपी के इस गांव में सीएम नीतीश कुमार और गांव को गोद लेने वाले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूड़ी भी यहां 2 बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी गांव में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। हां ये जरूर है कि लोकनायक के मूल निवास के ठीक बगल में उनकी स्मृति में भवन का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन उस पर भी श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। इसके बाद ये हमको ये सबूत है जो हमारे सांसद जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने गोद लिए हैं, हम लोग को बराबर संपर्क में बने रहते हैं। अब उनकी ये बताएं जो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लिए 5 करोड़ रुपया दिए हैं। हमारे पास और क्या सबूत है कि पिछले बार 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, उनके सामने तब आप कैबिनेट मंत्री थे, जिला के पदाधिकारी थे, उन्हीं के सामने यहाँ भूमि इंक्रोचमेंट का जो पैसा है पैसा दिया गया किसानों का। जरा आप सोचिए, सरयू और गंगा को मिलाने वाली नदी के किनारे बसे सिताब दियारा का विकास होता तो ये गांव कैसा होता? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। लोकनायक के गांव में पत्थर तो लग गया, फ्रेम बन गया, लेकिन अंदर नाम पट्टी नहीं लगी, यानी लोकनायक का गांव अभी भी उसी तरह उपेक्षित है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ आलोक वर्मा, छपरा, सिताब दियारा, IBN 7। चुनावी मौसम में नेताओं के अपनी ही पार्टी से बगावत करने का सिलसिला भी उफान पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनके बेटे का टिकट काट दिया गया था, जिससे वो नाराज हैं। उधर बीजेपी ही नहीं, दूसरे दलों में भी नाराजगी देखी जा रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज RJD प्रवक्ता श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भी बगावत कर दी है। कुशवाहा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप तक लगा डाला। वह जिसको टिकट दिया है वो बीजेपी का वर्कर भी नहीं है। अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को आप देते तो बात समझ में आती कि आपने बीजेपी किसी कार्यकर्ता को दिया, लेकिन कार्यकर्ता ही नहीं है वो बीजेपी का कभी मेंबर ही नहीं रहा। लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो इन्होंने जबरन हमको दल में बुलाया, नागपुर में टिकट दिया इन्होंने दिया, बड़हरा में टिकट दिया, जगदीशपुर में दिया, इसके बाद शाहपुर में दिया, ये सब जगहों पर मोटी रकम लेकर के टिकट दिए गए। वो आज तक पार्टी के कर्जकर्ता लोग नहीं रहा है। एकमात्र मेरिट है कि उनके पास अरबों की संपत्ति है। किसने पैसा लिया? पैसा दल के लोगों ने लिया, दल के मुखिया है माननीय लालू यादव। बिहार में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग सख्त हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने करोड़ों रुपए भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इस अभियान में विदेशी नकदी भी बरामद की गई है। इनमें अब तक नेपाल, इंडोनेशिया, सऊदी अरब समेत 7 देशों की करेंसी जब्त की गई है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों ने मनी ट्रेल भी काफी रिकवर किया है, काफी ज्यादा पैसे आपने रिकवर किए हैं, और द मेन थिंग इज कि फॉरेन करेंसीज डिफरेंट कंट्रीज की आ रही हैं, तो ये किस तरह का ट्रेंड है? इस बार जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो डिटेल्ड व्यवस्था कमीशन के द्वारा किया गया है, तो उसमें हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हम लोगों का 3 फ्लाइंग स्क्वाड एस्टेब्लिश किया गया और पर्याप्त मात्रा में स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे रखा गया, और इनकम टैक्स हैं, CISF हैं, रेलवेज हैं और SSB हैं, तो इन सभी को मिला के अपना इसमें कोऑर्डिनेट करके ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें, पल पल का अपडेट आपको पाटलिपुत्र का महासंग्राम में मिलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।